चलो तो एक और सवाल इसको उठाते हैं कि एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क से, ठीक है, इस डिस्क से मैंने क्या किया, से चलो इधर से कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझने में मतलब ज़्यादा आसान होगा, कहोगे सर सर बार बार उधर से ही काटते हैं। इधर से मैंने एक डिस्क काटा, इस डिस्क का मास एम रेडियस आर है, इसको मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है, जिसकी रेडियस आर बाई टू है, ये आर डायमीटर का डिस्क निकाला और इसको निकाल के इसी के ऊपर इधर रख दिया, उसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, समझना इसको। इसको उठा के मैंने इधर ही पेस्ट कर दिया, ठीक है, रख दिया, चिपका दिया, ठीक है, तो इधर से निकाला और इधर उठा गया, क्या सेंटर ऑफ मास। अब भाई इधर से निकाले तो खाली खाली हो गया होगा, इधर से निकाले तो होल हो गया होगा, खाली हो गया, उसको उठा के इधर रख दिए, तो सेंटर ऑफ मास किधर गया और कितना सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है और ये ओरिजिन 0,0,0। चलो अब बेसिकली हम लोगों को निकालना है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालने के लिए मैं वही वाला फार्मूला यूज करूंगा। मास है भाई, एक बार तो कट किया गया तो निगेटिव, फिर जोड़ा गया फिर प्लस, तो इसके लिए मैं देखो, हाँ, इसको एक्चुअल जो डिस्क है उसको मैं M1 M मानता हूँ और इसको मैं M2 मानता हूँ, जो निकाला गया उसको मैं M2 मानता हूँ, और M2 अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करके आया है, कैलकुलेट करके आया है M2 की वैल्यू M/4 है ना, M2 की वैल्यू M/4 है, क्लियर है। तो अगर M2 की वैल्यू M/4 है तो अब चलो XCM का फार्मूला क्या लगाते हैं बोलो, पहले M1 X1 एक्चुअल डिस्क के लिए मैंने इसको निकाला यहाँ से, तो -M2 X2 उसको यहां पेस्ट किया तो प्लस प्लस M2 और ये X2 और डिवाइडेड बाई M1 -M2 + M2, ये पहले वाले के लिए एक्चुअल जो डिस्क था उसके लिए लगाते हैं। तो एक्चुअल डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे 0 था, -M/4 और इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ +R/2 पे था, तो ये +R/2 पे था। अरे भाई समझ में आ रहा है, जो छोटा वाला डिस्क है M2 X2 निकाला हूँ तो छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, और ये तो फार्मूला आया, ये तो प्लस इसको ऐड करने से आया, प्लस इसका कितना ऐड हुआ, मास M/4 और माइनस साइन, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो इसका सेंटर ऑफ -R/2 पे आ गया, डिवाइड कर दूं समेशन ऑफ मासेस, एक्चुअल मास एम था -M/4, ठीक है, और +M/4, तो कुल मिला के M/4 ने M/4 को खत्म कर दी। तो अब एक्चुअल ये फार्मूला बता देगा मुझे सेंटर ऑफ मास गया किधर है और कितने से गया, ठीक है, तो ये इसको जोड़ लो, इधर आ जाएगा -MR/8, ठीक है, और इधर आ जाएगा -MR/8 एंड डिवाइडेड बाई मास एम, इसका मतलब ये हुआ कि -2MR और -2M और 8M, तो M ने M को ख़त्म कर दिया -R/4, तो फाइनल जो लोकेशन है वो सेंटर ऑफ मास का वो -R/4 पे, -R/4 कहाँ आएगा, ये पहले यहाँ था, ठीक है, तो जब आप इधर कट के निकाले तो -R/4 बता रहा है कि जो डिस्क है उसका फाइनल सेंटर ऑफ मास R/4, ये R/2 है, R/4 यहाँ पर आया होगा बीच में, यहाँ पे R/4 पे सेंटर ऑफ मास आया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से हम इसमें करते हैं, अगर दो बार डिस्क निकाल देंगे तो दो बार फार्मूला लगाएंगे।